नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर पर वीडियो का साइज कम कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो बनाते हैं और किसी ऑनलाइन साइट पर अपलोड करते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह, तो आप वीडियो बनाकर उसका साइज कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पर, उसके बाद आप इजीली किसी भी वीडियो का साइज कंप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली किसी भी वीडियो का साइज कम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं जो सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आप वीडियो का रिजोल्यूशन बिना उसकी क्वालिटी खोए हुए भी कम कर सकते हैं। यानी कि वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, बस उसका साइज कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सा है ये सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे हम किसी भी वीडियो का साइज कम कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपने अभी तक RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का रेड बटन देख रहे हैं आप, इस पर टच कीजिए और हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर पर जिसका नाम है हैंडब्रेक 32। तो अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन कीजिए और इस लिंक में जाइए। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो इसको ओपन कीजिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट विंडो में आप देख सकते हैं ये जो सॉफ्टवेयर है 9.62 MB का है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोडिंग बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में ये कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये यहां पर डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों, जैसे आप इसे ओपन करेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहां पर आपको रन के बटन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दोस्तों, यहां पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स ओपन होगा, यहां पर भी आपको आई एग्री कर देना है। अभी आपके कंप्यूटर की लोकेशन मांगेगा इंस्टॉल होने के लिए, तो आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है या तो फिर यहां से आप पाथ दे सकते हैं जहां भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको फाइनली फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको प्रोग्राम एंड फाइल्स में जाना है और इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। आप चाहे तो स्टार्ट पर क्लिक करके और यहां से इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूं। हैंडब्रेक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, अब आपको इसमें वो वाली वीडियो ओपन करनी है जिसका साइज आप कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली दोस्तों, आपको यहां पर देख सकते हैं ये ओपन सोर्स, इस बटन पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फोल्डर, बैच स्कैन एंड फाइल। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस करना चाहते हैं तो ये पहले वाले फोल्डर को क्लिक कीजिए। अगर आप सिंगल फाइल कंप्रेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है फाइल, इस पर क्लिक कीजिए। अब अपने कंप्यूटर गैलरी से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका साइज आप कंप्रेस करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, ये एक वीडियो है, इसका साइज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इस वीडियो का साइज लगभग 7700 KB है। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए फाइल पर क्लिक कीजिए और ओपन बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अब आपको इस फाइल का डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है, यानी कि कंप्रेस होने के बाद आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक नाम देना है, जो भी आप कन्वर्जन के बाद वीडियो का नाम देना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर RMS एंटर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आउटपुट सेटिंग में जाइए और इस ड्रॉप डाउन को ओपन कीजिए। यहाँ पर आप वीडियो का फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, तो चलिए मैं MP4 चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों, वीडियो टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग मिलेंगी जैसे कि वीडियो कोडेक, FPS, क्वालिटी और एवरेज बिटरेट। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर MPEG-4 कर देता हूँ और FPS में ये 30 कर लेता हूँ। क्वालिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, तो चलिए मैं इसको 25 कर देता हूँ। नेक्स्ट एवरेज बिटरेट, इसको आप अपने अकॉर्डिंग KBPS सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी सेटिंग हो जाने के बाद दोस्तों, अब आपको फाइनली स्टार्ट एनकोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, आपकी वीडियो का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, जितनी बड़ी आपकी फाइल होगी उतना ही ये टाइम लेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फाइल का साइज कितना कम हुआ है। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर गैलरी ओपन करता हूँ और जहाँ का हमने पाथ दिया था फाइल को सेव करने के लिए, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वीडियो ये पहले का है जिसका साइज लगभग 7.7 MB के आसपास था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने RMS नाम से सेव किया था, अब इसका साइज 7.6 MB के आसपास हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने ज़्यादा सेटिंग नहीं की थी, तो इसका साइज इतना कम हुआ है। आप थोड़ी सी और सेटिंग करके दोस्तों अपनी वीडियो का साइज और भी कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इसे एक लाइक जरूर करना और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।